ये फ़ोन ऐसा होने वाला है जो वन प्लस का जो अभी रुतबा बना हुआ है उस रुतबे को ये फ़ोन पर्सनली हटा देगा। सो फाइनली गाइस, मैं बात कर रहा हूँ नथिंग फ़ोन वन के बारे में, क्योंकि नथिंग फ़ोन वन ऐसा है जो वन प्लस को हटा के अपना ब्रांड घोषित करने जा रहा है, जिसको आप कह सकते हैं नेक्स्ट वन प्लस, जिसके बारे में मैंने कुछ इस वीडियो में पॉइंट बताए हैं, जिससे इस वीडियो को विदाउट स्किप करें पूरा देखें। सबसे पहले बात की जाए इस फ़ोन के फाउंडर के बारे में, जिसका नाम है कार्ल पी, जो कि आप डिस्प्ले पर इनका फोटो देख सकते हैं किस प्रकार के अच्छे लगते हैं एंड इसी प्रकार के इनके अच्छे तौर तरीके हैं फ़ोन को हाइप क्रिएट करने की। इससे पहले जब ये वन प्लस में फाउंडर थे तो इन्होंने वन प्लस नॉट टू को इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला वन प्लस का फ़ोन था। इसके बाद वन प्लस लगातार बुलंदियों को छूता गया, बट जब से ये वन प्लस को छोड़ के अपनी अलग कंपनी इन्होंने बनाई है, जिसका नाम है नथिंग फ़ोन वन, तब से नथिंग फ़ोन वन का हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। बट वन प्लस का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है वन प्लस नॉट टू टी, जिसके बारे में आपने इतना ज़्यादा सुना ही नहीं होगा, क्योंकि इस फ़ोन की इतनी ज़्यादा हाइप है कोई फ़ोन टिक नहीं पा रहा। सबसे पहले बात की जाए इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, तो पर्सनली आप देख रहे होंगे जो चार्जर वाला वहाँ पे ये लाइट जल रही है, पर्सनली ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड क्योंकि इस फ़ोन की डिज़ाइन के एंड्रॉयड में कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है ये फ़ोन आईफोन से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में आपको ओवरऑल सब स्पेसिफिकेशंस के बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात की जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो उसमें परफॉर्मेंस जो कि देखने को मिल रही है, जो कि ये स्नैपड्रैगन का 778G 5G प्रोसेसर, क्योंकि ये प्रोसेसर पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये प्रोसेसर आपको एक अच्छी गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग देने वाला है, क्योंकि मैं एक अच्छा गेमर हूँ, क्योंकि फ्री फायर मैं 7 से 8 घंटे भी खेलता रहता हूँ। बात की जाए इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो पर्सनली इसमें आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 2 मेगापिक्सल वाली बीमारी देखने को नहीं मिल रही, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि पर्सनली इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन्होंने 2 मेगापिक्सल वाली बीमारी नहीं दी है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी सुकून प्रदान कर रही हैं, क्योंकि और फ़ोन ऐसे हैं 2-2 मेगापिक्सल की बीमारियाँ को चिपका कर अपने फ़ोन के कैमराज की संख्या बढ़ा रही हैं। बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो उसमें आपको एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। बात की जाए इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको एक 6.5 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जिसमें आपको एक 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ साथ बात की जाए इसके ओवरऑल बैटरी एंड चार्जर के बारे में, तो उसमें आपको एक 4500mAh की बैटरी, जिसमें आपको 45W का चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल चार्जर नहीं है। इसमें आपको एक वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रहा है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे कोई फ़ोन नहीं देता है। नथिंग फ़ोन वन ने डिज़ाइन एंड इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की है, जिससे कि इसकी 1 लाख से भी ज़्यादा प्री बुकिंग हो चुकी है। सो फाइनली गाइस, इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। एंड बात की जाए इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाली है 28 से 29 हज़ार। एंड लॉन्च डेट की बात की जाए, तो ये फ़ोन आपको 18 जुलाई को इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। एंड सो फाइनली गाइस, ये वीडियो आपको कमेंट में बताना, एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।